नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है खबर पर नजर न्यूज चैनल पर। मध्य प्रदेश और इंदौर की ताजा खबरों को जानने के लिए खबर पर नजर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर में आज दीपावली के महापर्व के अवसर पर आज धनतेरस के उपलक्ष्य में सभी मीडिया कर्मी को देपालपुर के 24वें अवतार मंदिर के दर्शन लाभ का मिला और विशेष 11 ब्राह्मण के द्वारा पूजन किया गया। सभी मीडिया कर्मियों के साथ में स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल जी ने बताया, पूरा मीडिया कर्मों के लिए साल भर में कुछ धार्मिक यात्रा करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व उज्जैन के महाकालेश्वर के भी दर्शन कराए गए। आज धनतेरस के उपलक्ष्य मीडिया कर्मों को विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कराए गए। देपालपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष के द्वारा आए हुए सभी मीडिया कर्मों का स्वागत सत्कार किया गया एवं स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा वहां के पदाधिकारी अध्यक्ष और सचिव को दुपट्टा उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहां के मुख्य पुजारी जी का भी स्वागत किया गया स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा। पश्चात वहां पर भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया था, जिसे सभी ने भोजन का लाभ लिया और अपनी यात्रा पर निकल गए। भैया बस मंदिर बने जो बन के आपके सामने तैयार। दूसरा संकल्प 11 रुद्र ने जो अवतार लिए वो मंदिर बन रहे और 9 अंबिका के बन रहे हैं। उसी में गौशाला का भी संकल्प था और यहाँ संस्कृत पाठशाला चले वो भी उन्हीं का संकल्प है और यहाँ पर वृद्धाश्रम बने वो भी गुरु महाराज का संकल्प है और जो भी यहाँ सच्चे भाव से आता है उनकी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती है। और यहाँ पर बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया से लेकर बड़ा मेला लगता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। ये वार्षिक महोत्सव है मंदिर का, यहाँ पर यज्ञ भी होता है, बहुत रामलीला और मेला इसमें लगता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन करीब करीब लाखों की संख्या में गुरु भक्त आकर यहाँ पर गुरु दीक्षा लेते हैं और गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और उनकी गुरु महाराज की कृपा से सारे कार्य पूरे होते हैं। अभी जैसे दीपों का पर्व चालू हो गया जी, जी जी, और लक्ष्मी जी साक्षात यहाँ विराजी हैं जी जी, तो किस तरह के कार्यक्रम इन दिनों में आए? आज भी शाम को भी यहाँ दीपोत्सव मनाया जाए और दिवाली के दिन हजारों दीपक यहाँ पर पूरे जितने भी भक्तगण हैं गुरु भक्त हैं वो सब आके सब मंदिरों में दीपक लगाएंगे और दीपों महोत्सव को विधिवत यहाँ पर मनाया जाएगा। और ये जो विकास के काम है यहाँ पर उनका क्या लक्ष्य कब तक ये हो सके? ये लक्ष्य अभी तो रखा नहीं, पर जिन जिनों लोगों ने दान राशि दी है उनके सारे मंदिर तैयार हैं और हमारे ट्रस्ट पूरा लगा हुआ कि जल्दी से जल्दी 2 साल या 3 साल में इसको कम्प्लीट करके इनमें भी मूर्तियों की स्थापना की। श्री राम जी।